हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद प्रतीक्षा। आज मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। अचानक से शिव टेंपल से आते आते हम लोगों ने सोचा कि चलो रास्ते में आलम पहले से तो मौसम भी अच्छा सा हो रहा था, तो सोचा एक राउंड मार ही लेते हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग पे लगाई और चल दिए। अंधेरा तो होने लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी नाइट व्यू दिखा दूँ आलम पैलेस का। हम लोगों का जाना कम ही होता है, पर इस टाइम पे इसका व्यू ले लो। मैं डे टाइम का किसी और दिन डालूंगी। वैसे थंबनेल में आपने डे टाइम का देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। डे ब्यूटी का अपना अलग मज़ा है, नाइट का अपना अलग मज़ा है। ये यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कुछ बस स्टॉप है, तो कुछ शायद होता है यहाँ पे गाइड लाइन टाइप कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, मैंने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। और ये आगे हम अपने ब्यूटीफुल से पैलेस एरिया। और ये अंदर इसकी ना लॉबी सी, तो मैं बहुत शॉर्ट ले पाई हूँ, ये आई भी नहीं है। ये देखो, इसके अंदर अंदर मैं गई थी, बट शायद मैं रील बना के बाहर आ गई हूँ, ध्यान दिया। ये है हमारा आलम पैलेस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार थंबनेल चेक करना, उसमें बहुत छोटे से कॉर्नर पर मैंने लगा रखा है डे का। ये है सामने म्यूजियम जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, और ये सारा एरिया आलम पैलेस नहीं है। और अभी हम जाएंगे सामने। वाओ, और इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वाह वाह वाह। अब मैं अंदर की तरफ से जाऊंगी, पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है मैंने उधर की तरफ। अभी देखो कितना तो छोटा सा पैच आएगा, पर इतना प्यारा है ये, देखो यार, मेरे को बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी में तो अलग चीज़ है ये, थोड़ा थोड़ा सी पी स्टाइल है ना, थोड़ा लाइक सी पी से तो बहुत अच्छा है। अब हम आगे हैं, ये देखो ऊपर ना कोस्ट गार्ड टाइप होता है ना, वो बना हुआ है ये ऊपर लाइटनिंग से। ये ब्यूटीफुल सा प्लेस, वाह वाह वाह। ये दोनों आगे आगे भाग के, और अब हम आ गए हैं पास में आलम पैलेस के। बहुत दूर है चलते चलते, और मैंने ना बहुत कम रिकॉर्डिंग करी हुई है इतनी रात में, क्योंकि कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा था, तो ना लाइटनिंग भी परफेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो आप एंजॉय करो नाइट व्यू आलम पैलेस का। आलम पैलेस सुल्तान की 6 आवासों में, मतलब 6 रेजिडेंस में से एक है, और इतना बड़ा है ये कम से कम 200 साल पुराना है। और इसे अभी जो प्रेजेंट हमारे सुल्तान हैं हिज मजेस्टी हातिम बिन तारिक, उनके परदादा ने बनवाया था। तो इसका जो फ्रंट है, अभी लाइट में मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा, ये देखो इसका जो फ्रंट है ना, फ्रंट की दो लाइन जो है इसकी गोल्डन है, और साइड की ब्लू कलर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर होगा तो मैं साइड में एक फ़ोटो लगा लेती हूँ इसकी, आप वो फ़ोटो देख लो। ये देखो फ्रंट में गोल्डन है और साइड का ब्लू कलर का है। इसको आई थिंक अभी रिनोवेट भी करा था बीच में, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कब करवाया था। ये देखो कितने कौवे कबूतर घूम रहे हैं, चींची चैचा चींची चैचा हो रही है यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। वाह, देखो ऊपर भी है ना, ये वाले एंगल्स में कितना अलग आ गई है। वाह, ये पहाड़ियाँ ओल्ड मस्कट में है ना, तो यहाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलती है छोटी छोटी सी, उसके बीच में ही पैलेस है, और इसके सामने एकदम म्यूजियम है। ये पैलेस पूरा घिरा हुआ है पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई मीरानी और जलाली जो फोर्ट होता है ना, उससे घिरा हुआ है ये पूरा पैलेस। तो इसमें अंदर जाने की एंट्री नहीं है, इसी गेट तक आप लोग आ सकते हो, मतलब ये नहीं जो मैंने मेन गेट दिखाया उस तक ही आप आ सकते हो, और ये 24 आवर ओपन रहता है, 24 आवर ओपन रहता है ये, तो आप कभी भी आ सकते हो। इस टाइम तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वाओ, चलो गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अंधेरा भी हो चुका है, बारिश भी आने वाली है, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।